वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए एक अपडेट है, अगर आप यूपी से हैं और यूपी में यदि आपने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ था और किसी कारणवश आपको कॉलेज नहीं अलाट हो पाया है, यदि आप काउंसलिंग में नहीं सम्मिलित हो पाए थे या फिर आपकी रैंक बहुत कम थी, तो आप लोगों के लिए आज से पूल काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। यानी आप कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये प्रक्रिया जो है 11 जुलाई तक चलेगी। यानी कि आप एडमिशन लेने में यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप 11 जुलाई के अंदर ही सारा प्रोसेस कम्प्लीट कर लीजिए। और आपको इस प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए 5000 रुपये कौशन मनी कॉलेज में ही जमा करनी होगी, जो कि यदि आपका कॉलेज अलाट हो जाता है तो आपके सेस फीस जो बच रही है 46,250 रुपये सिर्फ ही आपको जमा करना होगा। टोटल फीस में से 5000 जो है माइनस हो जाएगा। लेकिन यदि आप एडमिशन लेने के इंटरेस्टेड होंगे तभी आप कॉलेज में जमा करिएगा, अदरवाइज़ यदि कॉलेज आपका अलाट हो जाता है और आप जो है एडमिशन नहीं लेते हैं तो 5000 जो आपकी कॉशन मनी है वो रिफंडेबल नहीं होगी, यानी वापस नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी बता दूं मैं आपको, ऐसे विद्यालय जो है ऐसे विद्यालयों में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं जो कॉलेज अनुदानित हों, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त हों, वित्त पोषित विद्यालय हों, उनमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बाध्यता जो है येलू यूनिवर्सिटी ने ये रखी हुई है कि जीरो फीस वाले कैंडिडेट जो है डायरेक्ट एडमिशन जाके नहीं ले सकते हैं। और पहला जो रूल है वो तो यही है कि आपने एंट्रेंस में एग्ज़ाम दिया हो, यानी एंट्रेंस में पार्टिसिपेट आपने किया हो, ठीक है। तो रूल रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस बार इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, कि ऐसा नहीं होगा कि आप विदाउट एंट्रेंस जाके जो है इस पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। वही कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है जिसने राज्य स्तरीय जो इसकी परीक्षा हुई थी उसमें इन्होंने जिन कैंडिडेट ने भाग लिया हुआ तो वही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो 11 जुलाई तक यदि आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, अपनी पूरी प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। इसके जो समन्वयक थे प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर नवीन खरे ने सारी चीज़ें जो है जानकारी दी हुई है। तो बस आपके लिए अपडेट थी, क्योंकि हमारे बहुत से यूट्यूब मेंबर जो हैं इस बात को कई बार पूछे हुए थे कि पूल काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, यानी डायरेक्ट एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे न्यूज़ जो हैं यदि आप करना चाह रहे हैं या आपसे संबंधित कोई करना चाह रहा है या वो नहीं ले पाया है काउंसलिंग में, तो आप उन तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए वैसे ही अपडेट थी। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसे संबंधित अपने व्हाट्सएप या भी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।